guys, press the bell icon on YouTube app and never miss an another update with Teleglam. Hi, this is Bhavika Sharma and you are watching me on Teleglam. So Bhavika, welcome to Teleglam. Thank you. Ek chota sa segment hai, truth never lie. Truth never lie. आज सुबह ही मेरी बहन पूछ रही थी कि क्या कर रही है और मैंने कहा मैं शॉर्ट में हूँ शॉर्ट में शॉर्ट में बाय 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 करके मैंने फोन कट कर दिया. फर्स्ट किस लड़का तो मिले पहले लड़का ही नहीं है. अपने मम्मी पापा को किसी किया मैंने बस वही किसी किया है. लीस्ट फेवरेट थिंग कि जीके एकदम ही जीरो है. वो सबका प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों का. So that is something I don't like. हाँ, जब भी मूवी में इमोशनल एंडिंग होती है या क्यूट सा कोई कपल होता है तो मुझे रोना आ जाता है और फिर मुझे ऐसा लगता है काश मेरे साथ भी ऐसा होता, कोई कपल मिल जाता, अच्छा लड़का मिल जाता लाइफ में. जब मैं हाँ यस मैं एक्टिंग कर रही थी कोई तो आई थिंक आलिया भट्ट का ही डायलॉग ऐसे मिरर में देख के पूरी ओवर एक्टिंग कर रही थी और मैंने बाद में नजर गई मेरी तो देखा मम्मी पापा देख रहे हैं मुझे. तो वो कौन सा था आलिया भट्ट का सीन? आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ही था कुछ तो डायलॉग. कौन सा वो उसमें भी हिट हुआ था रील्स पर कोई तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर काफ़ी पहले ऐसा हुआ था तो मम्मी पापा ने पकड़ लिया था मुझे. हाँ, फर्स्ट लॉकडाउन आई हैड अ वेरी बैड स्किन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अ डॉक्टर तो तब आई वॉज लिटरली वेरी सैड इन माई लाइफ. आलिया भट्ट आई लव हर. आई थिंक जितने भी मैडम सर के फैंस हैं वो बहुत प्यारे प्यारे लेटर्स और अपने हाथ से बहुत सारे क्राफ्ट्स बनाकर भेजते हैं तो वो बहुत ही स्वीट और रोमांटिक लगता है मुझे कि इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए. नो आई वॉन्ट टू बी इन वन. हम लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे लिए. मैंने अपने छोटे भाई को एक बार मारा था ऐसे चाटा तो उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आया था तो उन्होंने मुझे ऐसे मारा था और उसके बाद मुझे माइग्रेन हो गया था उस वजह से. वो मुझे इतना खौफ था तो वो मेरा वर्स्ट मेमोरी एवर है. सेगमेंट में मुझे बहुत मज़ा आया. आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए मैडम सर को. मैडम सर देखते रहिए, हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे.